गुड मॉर्निंग क्लास एथ तो मैंने आपको पिछली बार एक एग्जाम्पल दिया था मैंने कहा था आप लोग सभी एंगल्स ड्रॉ करके रखेंगे uh. या, आप लोग सभी एंगल्स ड्रा करके रखेंगे और आपको मैंने ये एग्जाम्पल भी दिया था कि आप ये भी करके रखेंगे ओके okay? तो सिंस फ्यू ऑफ यू हैव सेंट काफी सबने तो नहीं भेजा विच इज सैड बट एनी वे आई कांट वेट मोर आई हैव गिवन यू मोर देन इनफ टाइम सो टुडे आई विल डू एक्सरसाइज 4.3 वी विल डू एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर वन ओके तो मैं आपको पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन भेजूंगी सारे के सारे बाद में लेकिन फॉर नाउ आई जस्ट ड्रॉ दी इमेज सो दैट यू अंडरस्टेंड इट सो इन एक्सरसाइज नंबर वन वी हैव टू ड्रॉ अ क्वाड्रेटरल फॉर द फर्स्ट पार्ट आई एम डूइंग दिस ठीक है वी हैव टू ड्रॉ अ क्वारल मोर ओके

रफ फिगर फर्स्ट क्योंकि रफ फिगर बनाने से हमें एक आइडिया हो जाता है कि ये कैसे बनेगा ओके okay? तो ये हमने बना लिया एम ओ आर ई मोर अब हम इस पे मार्क कर लेंगे सिक्स सेंटीमीटर है ओ आर फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है एंगल एम जो है सिक्सटी डिग्री है एंगल ओ जो है वन जीरो फाइव डिग्री है और एंगल आर भी वन जीरो फाइव डिग्री ओके तो ये हमारे एंगल्स आ गए ये हमारी रफ फिगर है तो अभी हम किससे स्टार्ट करेंगे वी विल स्टार्ट ड्राइंग बिकॉज दो एंगल हमें एमओ के ऊपर दिए हुए हैं तो हम एमओ साइड से ही ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे अब आप एक और चीज़ देखेंगे कि क्योंकि इसके अंदर सारे एंगल वो वाले हैं जो फिफ्टीन के मल्टीपल्स होते हैं सिक्सटी डिग्री एंड वन जीरो फाइव डिग्री सिक्सटी सिक्सटी डिग्री एंड वन जीरो फाइव डिग्री तो इसका मतलब हमें ये दोनों एंगल कॉम्पस से ही ड्रॉ कर लें ओके सो लेट्स स्टार्ट तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ लाइन ऑफ फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिक्स सेंटीमीटर ये हमने सिक्स सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी ये है हमारा सिक्स सेंटीमीटर ओके यू कैन सी ये हमारा एम है और ये हमारा ओ है अब हमें एम को एंगल एम को हमें सिक्सटी डिग्री बनाना हैंगल एम को हमें सिक्सटी डिग्री बनाना है सो ना लेट्स ड्रा एंगल एम एज सिक्सटी डिग्री नाउ यू फोकस ऑन दिस ओके एज आई मूव यू शिफ्ट दैमरा ओके सो लेट्स ड्रॉ दिस एंगल एम तो मैंने आपको सिक्सटी डिग्री बनाने के लिए क्या बताया था आप लोग ने सबने अगर प्रैक्टिस भी किया है दैट वी विल जस्ट पोटेंड

सिक्सटी डिग्री सो ये हमारा 60 डिग्री बन गया एंगल एम हमारा 60 डिग्री बन गया ओके okay? अब हमें ओ बनाना है 105 डिग्री तो अभी आप देखोगे ओ 105 जीरो कहाँ आ रहा है 90 और 120 के बीच में यानी कि हम 60 बनाएंगे 60 से 120 बनाएंगे फिर 60 और 120 के बीच में 90 बनाएंगे और फिर 90 और 120 के बीच में 105 बनाएंगे कंफ्यूज नहीं होना बहुत सिंपल है जैसा अभी तक हमने किया है हा? Please pay attention. Now you just do this like this. Okay. So now let's take O as center. Okay. And you put in. This is your arc. Okay. अब जैसे कि हम 60 के लिए करते हैं, same यहाँ लेकर हमने एक और arc लगा दी. तो ये हमारा क्या आ गया मैंने आपको उस दिन बताया था आप रफली लिख लिया करो छोटा सा ये हमारा आ गया 60 डिग्री फाइन अब इस 60 डिग्री से हम एक और आर्क लगाएंगे वही रेडियस लेके ये हमारा क्या आ गया छोटा सा लिख लो 120 डिग्री ओके अब 90 डिग्री कैसे बनेगा 90 डिग्री मैंने आपको कहा था कि 120 से एक आर्क लेनी है यहाँ से जहां ये कट होती है और सिक्सटी से लेनी है ओके सॉरी ठीक है, फाइन तो ये हमारा बन गया 90 डिग्री इसको हम डॉट 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 कर लेंगे ताकि हम हमें 90 का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए ओके क्योंकि हम अगली 90 की आर्क यहां से नहीं लगा सकते ना यहां से लगानी है हमने तो यहां पर हम एक डॉट 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 करके हमने लाइन लगा ली तो अब हमारे पास क्या आ गया अब हमें क्या करना है वन ट्वेंटी पे सेंटर लेना है वन ट्वेंटी पे सेंटर लेना है और ये जहां नाइन्टी डिग्री की आर्क रही है इस मेन आर्क पे इसको हमने सेंटर लेना है ओके सो so, देखा आपने तो ये एक आर्क बन गई हमारी और अब हम तो हमारा ओ क्या आ गया दिस इज आर हंड्रेड एंड फाइव डिग्री एंगल अब वो भी हंड्रेड एंड फाइव डिग्री है आर लेकिन वो आर हम कहाँ तक लेंगे हमें आर ये हमारे पास एम हो गया ये ओ हो गया तो ये हमारा आर पॉइंट है ओके अब पहले हमें आर पॉइंट बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें ये फोर पॉइंट फाइव दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे अपने कैंपस को 4.5 तक खोलेंगे ठीक है 4.5 पॉइंट फाइव खोल के यहां पर एक कट लगाएंगे फाइन और यहां पे कट लगाने के बाद ये हमारा पॉइंट हो जाएगा दिस इज आर पॉइंट आर ओके नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट आर दिस पॉइंट आर वी विल मेक अगेन 105 डिग्री एंगल बिल्कुल जैसे हमने वो बनाया था फाइन तो हम पहले एक आर्क लगाएंगे ये हमारी आर्क लगी 60 डिग्री की ये हम 60 डिग्री के लिए मेन आर्क लगाएंगे अब ये मैंने लगाया एक तो ये हमारा क्या बन गया 60 डिग्री ओके फिर इससे हमने लगाया यहाँ पर ये हमारा बन गया 120 डिग्री जैसे कि हमने पहले किया था अब ये 60 और 120 को हम यू करेंगे तो ये हमारी किसकी आग लग जाएगी 90 डिग्री की तो अब हम पहले 90 डिग्री को इस पे एक लाइन डॉट 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 करके बनाएंगे ये हमारा 90 हुआ अब क्योंकि 90 और 120 के बीच में 105 होता है जैसे कि हमने पहले बनाया है तो तो हम एक ये लगाएंगे और फिर एक ये लगाएंगे ओके और फिर हम ये कर देंगे इसको ये दिस विल बी और यहां से आप इसको कनेक्ट कर दो क्योंकि वो साइड हमें देनी रखी दिस इज एग्जैक्टली लाइक द एग्जाम्पल दैट वी हैड डन समथिंग सिमिलर टू दैट ओनली सो एम ओ आर ई अब जो आपने ये बाकी चीजें लिखी थी ये जो आपने 120, ये 60, ये सब लिखा था इनको आप इरेज कर सकते हो बिकॉज दे विल नॉट कंफ्यूज यू देन एंड देन आप यहां पर हर जगह को दिस इज